एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 729 ml, 729 ml यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक मिक्सचर है, इसके अंदर क्या है, मिल्क और वॉटर है, किस रेशियो के अंदर, 7:2। टोटल कितना है, 729 ml। ये किसकी क्वांटिटी है, ये किसका वॉल्यूम है जो है मिक्सचर का है, और 7:2 के रेशियो के अंदर कहा गया है कि मिल्क एंड वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो कितना वाटर और उसके अंदर ऐड होना चाहिए ताकि जो उसका रेशियो है वो कितना हो जाए, 7:3 का हो जाए। तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी और ऐड करनी है ये आपको ml के अंदर बताना है। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि रेशियो क्या दिया हुआ है, उससे आप क्वांटिटी भी इसकी पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 729 ml, ओवरऑल जो क्वांटिटी है 729 ml है। इसमें आपसे कहा गया है कि जो आपका मिक्सचर है वॉटर और मिल्क, तो पहले लिखा है मिल्क, मतलब मिल्क के लिए कितना दिया है आपको रेशियो जो है वो 7 दिया है, और सेकेंड जो है वो क्या है उसके अंदर पानी है वॉटर, तो वॉटर के लिए कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये 7:2 में आपका 7 मिल्क के लिए है, 2 किसके लिए है, वॉटर के लिए है। इस तरीके से आपका रेशियो डिवाइडेड है। तो अगर यहाँ पे हम पहले लिखना चाहें तो मिल्क कितना है, यहाँ पे 7x है, वॉटर 2x है, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है हमें नहीं पता कितना है, तो मान लीजिए उसमें कुछ एक्स टर्म मल्टीप्लाइड है तो उतना ml तो मिल्क होगा। इसी तरीके से वाटर में भी कुछ एक्स टर्म मल्टीप्लाइड है, इतना हमारा वाटर होगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, 729 ml है। इसको हमें लेके किस में जाना है वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए 729 में से 7x वॉल्यूम किसका है, मिल्क का, 729 में जो 2x वॉल्यूम है वो किसका है, वॉटर का है। तो इस तरीके से ये रेशियो मिलकर बना है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कितना है, 7+2 9 है, तो टोटल कितना हो गया, 9, ठीक है। इस 9 में से कितना है, 7 मिल्क है और 2 कितना है, वॉटर है। यहां पे मैं लिख देती हूँ 7 मिल्क है और 2 क्या है, वॉटर है। तो अगर आप मिल्क का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं कि मिल्क है कितना, पहले कितना प्रेजेंट है, तो वो कितना हो जाएगा, मिल्क का कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है, 7, ठीक है, और ओवरऑल जो इनका टोटल सम है वो कितना है, 9 है, ठीक है। और ये 7/9 किसका हिस्सा है, ओवरऑल जो मिक्सचर है उसी का, तो 7/9 पोर्शन मिल्क का प्रेजेंट है किसमें, 729 ml में। तो यहां पर अगर हम 729 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि मिल्क इस मिक्सचर के अंदर कितना प्रेजेंट है, ये चीज निकल सकती है। देखिए अब इसका क्यूब ही होता है 729, तो 1 9 तो चला गया, तो कितना बचा, 2, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 7 × 7 = 8, 7 = 56 हो गया, तो ये हो गया आपका 567 ml, मतलब 567 ml जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मिल्क प्रेजेंट है। तो देखिए मिल्क जो 7x है वो कितना है, 567 ml, ये चीज आपको पता लग रही है। अगर इसी तरीके से आप वाटर के लिए निकालना चाहते हैं तो वाटर के लिए भी सेम ही तरीके से निकल जाएगा, दोनों में से किसी के लिए भी निकाल लीजिए, यहाँ पे x को रखेंगे तो भी आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे जो आपका वाटर है, अगर आप पहले वाटर का निकालते हैं तो देखिए वाटर कितना है, 2 है, टोटल इनका सम कितना है, 7 और 2 9, तो 2/9 फ्रैक्शन जो है किसका है, 729 ml का है, तो ओवरऑल इतना ही वाटर प्रेजेंट है। फिर से काटेंगे तो कितने से जाएगा, 81, तो 2 और 6, तो ये हो गया 162 ml, मतलब 567 ml जो है इसके अंदर मिल्क है और 162 ml क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दोनों का हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि ओवरऑल आपको फ्रैक्शन बता रखा था ना कितना प्रेजेंट है और कितना वॉल्यूम है टोटल मिक्सचर का, ये भी मुझे पता था, तो इसके पास में ये दो चीजें निकलकर आ जाती हैं। तो ये तो पहले वाले डेटा है, इसको मैं हटा देती हूँ, इससे आपने बता दिया कि इतना इतना प्रेजेंट है। अब इसने कहा कि हमें इसके अंदर क्या ऐड करना है, वॉटर, कितना वॉटर और ऐड किया जाए, मतलब वॉटर 162 ml तो है, प्लस इसके अंदर कुछ x ml और ऐड होगा, कुछ x ml और ऐड होगा वॉटर, कितना ऐड होगा पता नहीं, लेकिन जब इतना हम इसके अंदर मिल्क लेंगे और इतना हम इसके अंदर वॉटर डालेंगे तो जो रेशियो है वो 7। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, रेशियो का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए किसका रेशियो बोला है, मिल्क और वॉटर का, तो मिल्क कितना है,
567 ml है और वाटर ऑलरेडी 162 ml था, लेकिन इसमें कुछ x ml अगर मैं ऐड कर दूं तो नया जो इसका रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 7:3 का। बस ये इक्वेशन आपकी बन गई है, इसको आप कर लीजिए सॉल्व। सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए बस तो यहां से इसको निकाला जा सकता है। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको कर लेंगे 162 × 7 कर लेंगे, ठीक है, प्लस का 7x। अगर यहां से हम 7x को करें तो कितना हो जाएगा, 1701 माइनस कर लेंगे कितना, 1134, तो कितना बचेगा देखिए, इतना सॉल्व हो गया है। अब यहां से इसको माइनस कर लीजिए, 5 और 63 164 67। अच्छा एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, तो 8 और 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 81। और ये किस में पूछा है, एमएल में पूछा है, मतलब एक्स जो है वाटर हमें 81 ml ऐड करना है, तो जो नया हमारा रेशियो बनेगा मिल्क टू वाटर का वो कितना बन जाएगा, 7:3 का बन जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर देखिए आपको कहां पर दिया है 81 ml, उसे आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया है, तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहा है इन सर्टेन ईयर्स अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड टू इटसेल्फ, मतलब किसी समय की निर्धारित समय के अंदर जो है क्या हो रहा है कि जो आपका अमाउंट है, मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो आपका एक्स रुपीज था, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, सम इज डबल्ड इफ इटसेल्फ, तो यहाँ पे जो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जो इनिशियली था। क्या कहा इसने, कितने रेट के हिसाब से है, 6 1/4% है, तो 6 1/4% का मतलब कितना हो जाएगा, 6 24 और 1 25, तो 25/4% ये आपका क्या है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लग के वो पैसा दोगुना हो जाता है। इसने कहा एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, देन द रिक्वायर्ड टाइम विल बी, यहाँ पे आपको टाइम बताना है, तो ये चीज आपको पता है, दिख रही है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं पता, रेट पता है 25/4% है। तो अगर यहां से मैं ऐसा ही बताऊं आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना लगा होगा, एक्स रुपीज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, आपका जो आपका प्रिंसिपल है प्लस जो आपका ऐसा ही लगा है उसके, यही है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर मान लो एक्स लग रहा है तो अमाउंट मुझे कितना मिल जाता है, दोगुना मिल जाता है, मतलब ऐसा ही भी कितना रहा होगा, एक्स ही रहा होगा, तो यहां से हमें ये चीज पता लग गई है। अब यहाँ पे आपको इसका एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, आपका फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है, पी इंटू जो आपका रेट है मल्टीप्लीकेशन विद टाइम बटे 100, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें पास है, हम टी के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें, डायरेक्टली मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई विद 100 बटे जो बची हुई चीजें हैं पी और आर, वो नीचे आ जाती हैं। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखा जाए तो ऐसा ही आपको पता है एक्स ही है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी भी आपको पता है एक्स ही लिया है और रेट आपको पता है 25/4 है, यहां से लिख के काट दो चाहे तो 4 को आप ऊपर पहुंचा दो, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये डिवाइड में चले जाएगा इस तरीके से। देखिए यहां पर आपका कट जाएगा, इसको अगर काट देते हैं तो ये एक्स एक्स आपका चला गया 4 और 4 और 4 कितना हो गया, मल्टीप्लाई होके 16, तो क्या पूछा था, टाइम पूछा था, तो 16 ईयर्स हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है 16 साल, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला देखिए, इसने कहा द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 10 12 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज, देखिए यहाँ पे इसने एक स्ट्रेट लाइन कहा, उसके लिए आपको उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, ग्राफ के ऊपर इसने इस तरीके से दिया है कि 3x + 4y = 12 है। यहाँ पे आपके पास में दो वेरिएबल है, एक तो x है एक तो y है, ठीक है,
अगर देखिए हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक्स को मैं जीरो रख दूं तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी निकल के, और इसी तरीके से अगर मैं वाई को जीरो रख दूं तो एक्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी निकल के। दोनों ही तरीके से निकाल कर देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स को जीरो रखा, ठीक है, पहली चीज मैंने क्या करी, मैंने एक्स को जीरो रख दिया। तो देखिए वाई कितना हो जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 12 है। एक्स मैंने जीरो रख दिया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, हटा देते हैं तो 4 × 3 = 12 होता है, तो यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आ गई, ठीक है। तो जब एक्स जीरो है तो वाई कितना है, 3 है। सेकेंड केस के अंदर अगर मैं वाई को जीरो रखूं तो एक्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, तो 3x + 4y = 12 है। यहाँ पे वाई को जीरो रखा है तो यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करो भी बचेगा, प्लस साइन हटा देते हैं, कोई आगे टर्म ही नहीं है। तो 3x = 12 है तो x कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इस तरीके से बेसिकली आपके पास में दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम हमेशा x के लिए लिखते हैं, तो x तो 0 है यहाँ पे, सेकेंड जो होता है वो आपका y होता है, तो यहाँ पे x कितना है, 4 है। नेक्स्ट जो आपकी y की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। इस चीज को हम चाहे तो ग्राफ पर भी दर्शा के दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपका x और y एक्सिस इस तरह है, ये आपका y एक्सिस है और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी x एक्सिस हो जाती है, यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है, एक्स जीरो वाई थ्री, तो एक्स के जो एक्सिस है वो ये वाली है, तो ये तो जीरो पे है। नेक्स्ट एक्सिस ये वाई देखते हैं, वाई पे कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो वाई पे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो वाई का जो पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें एक्स कितना है, 4 है, तो जो ये वाली लाइन है इस पे हमें 4 देखना है, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से आपके दो पॉइंट निकल कर आ गए हैं, तो ये आपकी वो लाइन है जिसकी आपसे लेंथ पूछी है। अगर आप देखते हैं तो ये वाला पॉइंट आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही यहां से अगर हम काउंटिंग देखते हैं 1 2 3 4, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो आपको पता लग रहा है कितना है, 4 है, और यहां से यहां तक आपको पता लग रहा है ओवरऑल जो आपकी लेंथ है या फिर कहते हो डिस्टेंस है यहाँ 0 पॉइंट से वो कितना है, 3 है, ठीक है। ये आपको चीज दिख रही होगी, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे आपको कौन सी लेंथ बतानी है, जो ये वाली लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, ये आपसे पूछी है लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है, ये आपको 4 पता है, ये आपको 3 पता है, तो ये आप निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ए, ये वाली बी और ये वाली सी, तो ए सी हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी कितना है, 3 और ये कितना है, 4, तो 3 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख दूं यहां पे, तो ये हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, तो अंडर रूट में कितना आएगा, 25, किसका होता है, 5 का होता है, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं आएगा जो भी है क्योंकि कुछ दिया नहीं है इसमें, तो 5 यूनिट्स कह सकते हैं, मतलब आंसर कितना है, 5 है। तो जहां भी आपको ऑप्शन के अंदर दिख रहा है 5 वही आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है 5, वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1/√ में। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे आपको डिनोमिनेटर में इस तरीके से दिया होगा, अब यहाँ पे आपको सिंपली इसको बस रेशनलाइज करके इनका एक एक टर्म को लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक करके समझाती हूँ, यहाँ पे देखिए 1/ हम पूरा नहीं लिखेंगे एक बार में, हम थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1/√7 − √6, ये चीज दी है, तो अगर पहले टर्म को मैं लिखूं तो इसको हम सिंपली रेशनलाइज कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिट साइन के साथ में ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा √7 + √6 / √7 + √6, ये चीज आएगी।
अगर आप ऊपर देखते हैं तो कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऊपर ऊपर वाला साथ में मल्टीप्लाई, नीचे वाला साथ में मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शंस को नहीं आता सॉल्व करना तो आप वीडियोस जाकर मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। अगर आप डिनोमिनेटर को करते हैं मल्टीप्लाई तो देखिए ये आपके क्या टर्म है, अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए ये आपको पता है अगर रूट सेवन को मैं ए बोल दूं तो क्या लिख रहा है, ए माइनस बी, फिर यहाँ पे यही है ए और बी, तो ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी को हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे ए क्या है रूट सेवन, तो रूट सेवन का स्क्वायर माइनस बी क्या है रूट सिक्स, तो रूट सिक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो सात, इसका करोगे तो छह, सात में से छह गया तो एक, मतलब ये चीज मुझे डायरेक्टली दिख रही थी लेकिन मैंने ये चीज फिर भी इसमें एक्सप्लेन कर दी है। सिंपली अगर मैं कहना चाहूं तो यहाँ पे ये वाले जो पूरे टर्म मुझे क्वेश्चन के अंदर दी थी इसमें रेशनलाइज करके कुछ भी नहीं बचेगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स आ जाएगा। आगे ये चीज सॉल्व करिए, अब देखिए सेकेंड टर्म को देखते हैं, अगली टर्म जो दी है वो है, साइन को छोड़ देंगे माइनस प्लस वो हम बाद में देखेंगे, अगली टर्म आपको दी है रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। अगर मुझे पता है कि इसको रेशनलाइज करके आ जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऊपर ऑपोजिट साइन आएगा और नीचे क्या हो जाएगा छह माइनस पांच तो एक आएगा, तो नीचे डिवाइड में वन लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो रूट सिक्स प्लस रूट फाइव ये चीज आएगी। अच्छा, जो जो आता जा रहा है इस चीज को हम ऊपर लिखते चलते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आया था रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, फिर बीच में देखिए इनके माइनस का साइन है, फिर सेकेंड टर्म को सॉल्व करके आया है रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, इतना हमारा सॉल्व हो गया है। इससे आगे की टर्म अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूं कि ये है वन अपॉन रूट फाइव माइनस टू, आप इसको भी जब हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं करके दिखा देती हूँ, जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए ऊपर जो आपकी टर्म आएगी वो तो यही आएगी रूट फाइव प्लस टू, अब जब डिवाइड में आप करेंगे तो आपकी दो टर्म बचेंगी, देखिए रूट फाइव माइनस टू एंड रूट फाइव प्लस टू। अब देखिए रूट फाइव इंटू रूट फाइव करेंगे तो फाइव आएगा, टू टू सा कितना हो जाएगा फोर, तो फाइव माइनस फोर कितना आएगा वन, तो यहाँ पे आपको इसको लिखने की जरूरत फिर नहीं है, तो रूट फाइव प्लस टू आएगा आपका डायरेक्टली, इस चीज को आप यहाँ पे ऐड करते चलिए, देखिए किस साइन के साथ में है प्लस साइन के साथ में है, तो प्लस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है आपके पास में ये दिया हुआ है रूट एट माइनस रूट ऑफ सेवन, ये दिया है, देखिए आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट एट प्लस रूट सेवन, ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा एट माइनस सेवन वन, तो इसको भी हटा देते हैं, ये देखिए यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का रूट एट प्लस रूट सेवन। नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है आपकी ये है वन अपॉन थ्री माइनस रूट एट, अब देखिए यहां पे थ्री प्लस रूट एट ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और थ्री थ्री सा कितना हो जाएगा नाइन, नाइन माइनस एट वन, तो फिर से डायरेक्टली इस टर्म को लिखा जा सकता है प्लस साइन के साथ में थ्री प्लस रूट एट। अब देखिए सॉल्व करके आप जब करेंगे तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके पास में ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो आप डायरेक्टली लिखना चालू करिए, सीधा सीधा इसका ये लिखते जाइए, चाहे तो आप एक ही साथ में साइन चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्योंकि साइन चेंज एक साथ में नहीं करा है सिर्फ वैल्यूज लिख के दिखाई है कि कैसे आई है, अब इसके बाद में अगर आप साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करने के लिए सब चीजों को आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा, तो रूट सेवन प्लस का रूट सिक्स, देखिए माइनस साइन आपका आ जाएगा रूट सिक्स के साथ में और माइनस ही आ जाएगा रूट फाइव के साथ में भी, फिर आपका प्लस में है तो प्लस का रूट फाइव और प्लस का रूट टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं माइनस एट, माइनस का एट और माइनस का ही सेवन, तो माइनस रूट एट माइनस रूट सेवन, फिर आ जाते हैं प्लस का, तो प्लस का ही थ्री और प्लस का ही रूट एट, ठीक है। जब आप डायरेक्टली करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहीं से भी दिख जाएगा कि बचने वाला क्या है इनमें से, साइन को वहीं पर ही चेंज करके,
अगर देखिए यहां पर मैं दिखाना चाहूं तो ये पूरी इक्वेशन आपकी बचती है, जो प्लस वाला है माइनस वाला है जो भी कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 7 प्लस का है, ये 7 माइनस का है, माइनस का 8 इधर है, प्लस का 8 इधर है, प्लस का रूट 6 माइनस का रूट 6 इधर आपके पास में है, माइनस का रूट 5 माइनस प्लस का रूट 5, और कितना बच रहा है यहाँ पे रूट 2 कैसे आ गया, यहाँ पे 2 है, रूट 5 प्लस 2 है, यहाँ पे ये देखिए 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना बचा 5, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ओवरऑल जो आपका आंसर है वो कितना आ गया 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ऐसे करके हमारा आंसर निकल जाता है। अगला देखिए यहाँ पर है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर, ठीक है, और देखिए करंट पॉपुलेशन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 9261 है, तो पॉपुलेशन जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कितनी है पॉपुलेशन 9261, मतलब 9261 लोग अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, ठीक है, तो ये इतनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन आपसे 3 साल पहले की पूछी है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे इसने कहा कि हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल फिक्स ही बढ़ रही होगी, क्यों, क्योंकि हर साल ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए आज के दिन हम देखते हैं तो किसी जगह पे 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, और फिर वहां पे जो है 5% पॉपुलेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो 5% बढ़ने के बाद में जो आएगा फिर उस वाली पॉपुलेशन में फिर से 5% बढ़ जाएगी, फिर इसमें जो आएगा फिर उसमें फिर से 5% बढ़ जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 100 का अगर आप 5% देखते हो तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो 100 तो थी ही और 5% बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 105, इसको हटा देते हैं, ये देखिए तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 105, तो अगले साल जब 105 पॉपुलेशन हो गई है तो फिर से 105 का ही 5% बढ़ेगा, तो यहाँ पे फिर से कुछ बढ़ जाएगी वैल्यू, फिर उसमें बढ़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट इंक्रीज नहीं है, तो डायरेक्टली आप कभी नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे 3 साल पहले की पॉपुलेशन इतनी थी बस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सीआई का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता होता है, क्योंकि देखो आपको रेट दिया है, यहाँ पे आपको टाइम दिया है, टी दिया है, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3 ईयर्स के लिए, हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए बराबर टी, यहाँ पे आपका होता है 1+, अगर आप देखते हैं तो आर बाई 100 और इसकी पावर में आपका जो टाइम चले जाएगा, आपको पता है कि अमाउंट मतलब जो फाइनल है वो कितना है 9261, यही तो फाइनल है, तो फाइनल आपका कितना है 9261 है, टी आपका क्या है जो इनिशियली रहा होगा तो वो हमें नहीं पता, वही तो बताना है कि 3 साल पहले कितना था, तो पी क्या है जो पहले था, ठीक है, तो उसको पी इनिशियल बोल देते हैं, पी आई लिख दो उसको, पी नॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1+, आर कितना है रेट 5% की दर से है, अच्छा टी कितना है 3, तो इसकी पावर में 3 चला गया, अगर आप यहीं पर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 105/100, 21/20 आएगा, 105/100, ठीक है, अगर आप इसको काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 से चला जाएगा तो 20, ये 5 से चला जाएगा तो 21, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं तो 9261 बराबर आपका जो पी है यहाँ पे हो जाएगा 21/20 का क्यूब, ठीक, देखिए यहाँ पे इस चीज को आप ऑलरेडी इस तरफ ले जाओ, मतलब एज इट इज उठा के ले जाओ सर, तो आपका जो पी है वो क्या हो जाएगा 9261 तो इधर था ही, ठीक है, डिवाइड में आपके क्या था 20 का क्यूब, अब 20 का क्यूब लिख दो या फिर 20 × 20 × 20 खोल के लिखना चाहे तो इस तरीके से मैं लिख के दिखा सकती हूँ, और नीचे आपका कितना बच रहा है 21, कितना कट गया ये इससे 441, 441 21 का ही स्क्वायर है, ठीक है, तो 21 × 21 हो जाएगा 441, अब ये 21 और ये 21 भी कट जाएगा तो कितना बचा 20 × 20 × 20, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 आ गए आगे 0, ठीक है, तो 8000, मतलब 8000 जो है वो पॉपुलेशन रही होगी, अब देखिए जिसपे 5% हर साल बढ़ता गया, इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि 3 साल पहले जो है पॉपुलेशन कितनी थी 8000 थी, ठीक है, फिर इस 8000 पे
5% बढ़ी थी तो उतनी आई, फिर मान लीजिए एक्स पॉपुलेशन बढ़ी थी तो एक्स पॉपुलेशन पे फिर से 5% लगाया था तो कुछ अलग वैल्यू आ गई थी, फिर वाई बढ़ के, फिर उस वाई में जब फिर से 5% बढ़ाई थी तो हमारे 9,261 लोग हो गए थे। तो इस तरीके से ये चीज चल रही है। तो यहाँ से आपसे यही पूछा गया था कि इसमें तीन बार जब ये बढ़ाई गई है 5% के हिसाब से, तो ये जो फर्स्ट वाली थी 3 साल पहले की, वो पॉपुलेशन कितनी थी। तो इस तरीके से आपका जो है 8,000 हो गया है आंसर। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है करेक्ट 8,000 पॉपुलेशन। अगला देखिए यहाँ पर है अ फार्मर ट्रेवल, फार्मर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 61 किलोमीटर 9 घंटे में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है 61 किलोमीटर है, टाइम दिया है 9 आवर्स है। इसने कहा ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ, देखिए अब ये पैदल चला इसमें से कुछ डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ जो है इसने बाइसिकल से ट्रेवल करा है, तो बाइसिकल वाला कितना है स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है तो डिस्टेंस जितने पैदल चला है जो फुट से चला है वो कितना है डिस्टेंस वो पूछा गया है। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है जो कि कितना है टोटल 61 किलोमीटर का है, इस 61 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस इसने पैदल चला, ठीक है तो मान लीजिए इतना डिस्टेंस इसने पैदल चला है तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है ये कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिस्टेंस 61 किलोमीटर है, तो मान लीजिए कि पैदल जो उसने चला है वो डिस्टेंस x किलोमीटर चला है 61 में से, और जो उसने बाइसिकल से कवर किया होगा वो कितना किया होगा टोटल 61 में से अगर हम पैदल चला हुआ हटा देते हैं तो वही डिस्टेंस उसने साइकिल से कवर किया है। ठीक है तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम आपको ऑलरेडी पता है, तो मतलब इसने इधर जो टाइम लगाए और इधर जो टाइम लगाए वो ही ना दोनों बढ़ा के 9 आवर्स होगा मिला के दोनों को, तो यहाँ पर जो आपका टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस में अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस बाय फुट एक्स, डिस्टेंस स्पीड बाय फुट 4 हो गया। इसी तरीके से आपका डिस्टेंस बाय बाइसिकल 61 माइनस एक्स हो गया और स्पीड बाय बाइसिकल हो गया 9, तो ये क्या है टाइम। ठीक है ये क्या है टाइम, दोनों से मिला के जो टाइम है वो कितना है 9 घंटे का। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए बस और इससे वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में। देखिए एलसीएम लेंगे तो 36 हो गया, 9 हो गया एक्स प्लस ये कितना आ गया 4,244 माइनस का कितना हो जाएगा 4 आ रहा था ना तो 4x, ठीक है इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर ही ले जाके ऑलरेडी, ठीक है तो ये हो जाएगा 9 × 36 इस तरीके से 324। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाइए 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5x, 324 और 244 यहाँ पे आपका हो जाएगा डिवाइड में जाएगा 5 तो कितना आ जाएगा 16। क्या निकाल रहे थे हम इसके अंदर, हमने x इसको माना था जो पैदल उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है किससे पैदल चल के, तो 60 में से अगर 16 चला गया तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो उसने बाइसिकल से कवर किया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है बाय फुट ही पूछा है, तो कुछ करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, बस एक्स की वैल्यू जो निकल के आई है इसी को आपको टिक मार देना है। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है क्योंकि ओवरऑल आपको टाइम दिया था, डिस्टेंस इनका दिया ही हुआ था, तो इसका जितना आपको लग रहा है टाइम, इसका जितना लग रहा है टोटल 9 घंटे ही बैठेगा। तो इस तरीके से भी हम चीजों को निकाल लेते हैं, इसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 + x√3 = 1/2 + √3 आपको सिंपलेस्ट वैल्यू x की बतानी है। देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं 2 + x√3 ठीक 1/2 + √3 यही है। देखिए इसमें आपको x की एक सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है, अब x वाली टर्म को छोड़ो जो आपको दिया है उस पर देखो, ये दिया है आपको
यहाँ पे आपको बताना है। अब देखिए जब 1/2 + √3 दिया है, इसको आप सिंपली आप रेशनलाइज वो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 - √3, और यहाँ भी आपके पास में क्या आ जाएगा 2 - √3, तो 4 - 3 तो आपका 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ऊपर जो आपकी टर्म बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी बचेगी, 2 - √3, मतलब 2 + x√3 जो है ये आपका किसके इक्वल है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, तो 2 - √3 के इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल आपको दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास में 2 + √3 है, तो x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू है कि -√3 है, तो -1 ही है। देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, √3 है, सिर्फ कितना बचा x, तो माइनस साइन आ रहा है और 1 आ रहा है, तो -1 हो गई x की सिंपलेस्ट वैल्यू, सिंपली इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो वैल्यू x की कितनी हो गई -1।